I hope you all are good and let's start this vlog without further any delay. If you are new on my channel, please subscribe it. If you like the video, please hit the like button. Share to your loved ones or comment zarur karte raha. तो बेसिकली आज मैंने सोचा था कि आज मैं समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क करूँगी यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और लाइक जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं अब तो मैंने सबसे पहले पकड़ा था कंप्यूटर को हॉलीडे होमवर्क. और कंप्यूटर को हॉलीडे होमवर्क सिंपल ही था, बस एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी थी. और लाइक प्रोजेक्ट फाइल तो मैं बाद में बनाऊँगी, बट एक काम था ना कि लाइक कैनवा या पता नहीं एम एस पेंट या कुछ ऐसे था, उसमें हमें पोस्टर बनाना है. तो आई वॉज यूजिंग कैनवा फॉर दिस. तो मैं ना कैनवा फ्री यूज़ करती हूँ वैसे भी, मतलब बहुत सारे फ़ीचर्स हैं कैनवा फ्री में भी, ऐसा नहीं है लाइक फ्री में कुछ फ़ीचर्स नहीं है. प्रीमियम में मतलब बस थोड़े और ज़्यादा फ्री फीचर्स हैं, बट ये हो जाता है ना कभी कभी, जैसे हमें जो चीज़ पसंद आती है वो कैनवा प्रीमियम में होती है और लाइक वो मेरे को अच्छा नहीं लगता. तो फिर जैसे कल मेरे को पोस्टर्स इतने सारे पसंद आए थे, नहीं तो अगर होता तो मैं उन्हीं में लिख देती, इतना टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता. बट येस, अब जो पसंद आ रहे थे वो प्रीमियम में थे और लाइक जो पसंद नहीं आ रहे थे वो सारे फ्री में थे. तो फिर मैंने सोचा कि आई डिज़ाइन माई ओन प्रोजेक्ट लाइक खुद से डिज़ाइन करके. जैसे खुद तो टेम्पलेट्स आते हैं ना, उसमें हम खाली लिख सकते थे और सारा पहले से डिज़ाइन होगा, तो इसलिए फिर मेरे को खुद डिज़ाइन करने में को लाइक बहुत टाइम लगा. और उसमें भी मेरा अभी आधा ही हुआ है और आई डोंट नो उसमें कितना टाइम लगेगा. तो मतलब लाइक कुछ रिटन वर्क नहीं था, तो मैं फिर यार बिस्तर में चली गई. तो मैं चलो तुम्हें एक बात बताती हूँ, फ्री फीचर्स ना कैनवा में बहुत हैं. अगर तुम ग्राफिक्स जानते हो तो फ्री में 2-3-0K ग्राफिक्स हैं कैनवा में. और लाइक अगर तुम प्रीमियम लेते हो तो तुम्हें मिलेंगे 7 मिलियन ग्राफिक्स. और ऐसा नहीं है यार कि दोनों मतलब 2-3-0K छोटा अमाउंट है, ऐसा नहीं है. अगर तुम देखो ना, दोनों ही बहुत ह्यूज अमाउंट है. बट हाँ, अपने कंपैरिजन में ग्राफिक्स फ्री फीचर्स में 2-3-0K मतलब कम है अपने कंपैरिजन में यार. पर हमारे लिए तो दोनों, मेरे लिए तो यार अब आई डोंट नो तुम्हारे लिए है या नहीं, बट मेरे लिए बहुत दोनों ह्यूज अमाउंट है. और फ्री फीचर्स में भी बहुत सारे फ़ीचर्स आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत कम और रेयर मिलेंगे तुम्हें. जैसे कुछ ऐप्स में होता है ऐसा कि एक दो चीज़ें मिलती हैं और फिर उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. और लाइक मतलब ना, मेरे को इन सब चीज़ों में कैनवा लगता है बहुत बढ़िया ऐप, क्योंकि कैनवा में ना कोई ऐसे ज़बरदस्ती है, तुम प्रीमियम फीचर्स तक यूज़ कर सकते हो यार. बस उसमें क्या है, वाटरमार्क आएगा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ लो जिसमें इतना वाटरमार्क ना आए. जैसे मैंने कल एक हाउ का ग्राफिक लिया था, उसमें मैंने डाउनलोड करके देखा कि वो वाटरमार्क आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसमें वाटरमार्क नहीं आ रहा था. बट मैंने एक ग्रीन रेक्टेंगल बॉक्स लिया था AI से रिलेटेड, तो उसमें कैनवा बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहा था, तो वो मैंने नहीं लिया. फिर इसके लिए अगर तुम्हें लगता है यार कि हमें कैनवा ही बनाना है बट हमें फीचर्स ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो तुम गूगल में जाके भी कुछ इमेजेस, जैसे मैंने ब्लू बॉक्स लाइक कुछ ऐसे मैंने अच्छी अच्छी इमेजेस गूगल में जाके सेव कर ली थी, फिर उसके बाद कैनवा में अपलोड करके मैं उधर भी यूज़ कर सकती हूँ. तो एक बार तुम जाके देखो कैनवा में कि तुम्हें कैसा लगता है. तो यार अब इतना सब कुछ होने के बाद ना, कैनवा में खुद की प्रोजेक्ट बनाना प्लस एडिटिंग करना इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो मैंने फिर सोचा कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग गया था सुबह से. तो फिर मैंने अपना केमिस्ट्री का रिवीजन करा और रिवीजन यार आज मेरा लाइक मैंने खाली रिटर्न वर्क करा. अगर तुम्हें रिवीजन में बोरियत आती है ना, लाइक मुझे भी रिवीजन में बहुत बोर होता है, तो मैं ना एक कॉपी लेती हूँ और सिंपली उसमें लिखने लग जाती हूँ. तुम्हारे दिमाग में लिखने से कुछ घुसेगा तो सही, और ये मेरा मानना है. So here I was simply writing my all notes in another notebook. I need an angel to save me from myself. Holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt? Calling for forever, for every passing moment.
मैंने जितना मैं लिख सकती थी उतना मैंने लिखे केमिस्ट्री के नोट्स। फिर उसके बाद लाइक मैंने पढ़ी बायो, बायो पढ़ी क्या, मैंने बायो में भी ऐसा ही करा, बायो के नोट्स मैंने लिखे। डायग्राम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन। यार ऐसा नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता होगा, ये तो सबको पता रहता है कि डायग्राम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और यार डायग्राम बोर्ड एग्जामिनेशन क्या, ये तो पीटीज हाफ एली सब में आते हैं, प्लस लेबलिंग भी करनी होती है। तो न्यूरॉन का डायग्राम मुझे अभी तक तो जितना मैंने पढ़ा है या शायद मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें मेरे को न्यूरॉन का डायग्राम लगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार तुम भी प्रैक्टिस कर लेना अगर तुम भी एक टेंथ ग्रेडर हो तो। ऐसा नहीं है, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में खाली न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि न्यूरॉन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और भी डायग्राम है इस चैप्टर में, जाके एक बार देखना अपनी बुक। क्योंकि लाइक सेरिबेलम ये सब मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो शायद ब्रेन और इसके इनर पार्ट्स का भी डायग्राम हो सकता है, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं है जब, तो मेरे को ऐसा कुछ याद है। तो केमिस्ट्री और बायो का रिवीजन करने के बाद मैंने पढ़ी मैथ्स। लाइक मतलब ना मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ करोगे तभी आएगी। तो मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ट्रिग्नोमेट्री की 8.1, 8.2 कर ली है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को पहला चैप्टर दोबारा करना चाहिए, और फिर मैं दोबारा 1.1 एक्सरसाइज करनी शुरू हो गई थी। और यार तुम सबको ही पता है कि रिवीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले तो यार मैथ्स में अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर एक दो दिन के बाद ये ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि हम रोज़ मैथ्स करें, भले ही वो कितना कम टाइम में करें या कितने ज़्यादा टाइम लगा के मैथ्स करें। So this was the end of vlog. If you like the vlog, please hit the like button. And if you are new on my channel, please subscribe it. Share to your loved ones or comment. जरूर करते रहा करो, तब तक के लिए बाय बाय।